सिख पंथ के 10 गुरुओं में से 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी ही एक ऐसे गुरु थे जिनका जीवन काल सभी गुरुओं से बहुत ही कम था। उन्हें बालापीर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मात्र 5 वर्ष की उम्र होते ही वे सिखों के 8वें गुरु बने और 8 वर्ष की उम्र में प्रभु में विलीन हो गए। उम्र चाहे छोटी थी पर उनके कारनामे बड़े ही अद्भुत थे। आज हम इस वीडियो में आपको श्री गुरु हरकृष्ण जी के बारे में उनके जीवन से जुड़ी बेहद खास घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिसे आपने शायद पहले कभी ना सुना हो। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी 7 जुलाई 1656 में कीरतपुर में माता कृष्ण कौर और पिता गुरु हरराय जी के घर पैदा हुए। बालक के जन्म के समय गुरु पिता हरराय जी ने तब वचन किया कि जो कुछ ये बालक भविष्य में करेगा वो और कोई नहीं कर सकेगा। बालक हरकृष्ण जी का एक बड़ा भाई था जिसका नाम बाबा राम राय था। गुरु हरकृष्ण जी बचपन से ही बड़े सुंदर और मनमोहक थे। जो भी उन्हें एक बार देखता वे दोबारा उन्हें देखने के लिए उतावला रहता। सभी उन्हें प्रभु का रूप समझते थे। जब बालक हरकृष्ण जी थोड़े से बड़े हुए तो उनका बहुत तेज दिमाग होने के कारण हर बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ लिया करते। उनकी छोटी छोटी बातें सभी को हैरान कर देती। कहते हैं जब वे 1 साल के हुए तो चलते चलते दरबार में आकर चौंकड़ा मारकर बड़े ध्यान से कीर्तन सुनने लगते। उन्होंने छोटी उम्र में ही गुरबानी मुंह जुबानी याद कर ली थी। बड़ी मीठी आवाज में सुर के साथ वे पाठ करने लग जाते जिसे सुनने के लिए सिख संगतें उनके पास आकर बैठ जाती। बचपन में वे कई कई बार चौंकड़ा मारकर समाधि में लीन हो जाया करते जो अपने आप में ही बड़ा अद्भुत था। बालक हरकृष्ण जी का अपने पिता के संग बड़ा प्रेम था। वे हर समय अपने गुरु पिता को गुरुओं की साखियां सुनाने को कहा करते तब गुरु पिता उन्हें बड़े प्रेम से साखी सुनाते। कहा जाता है कि एक बार बालक अपने पिता के साथ बगीचे में टहलने गए तो बालक हरकृष्ण जी की नजर एक सांप पर पड़ी जो जख्मी हालत में जमीन पर गिरा पड़ा था जिस पर ढेरों चींटियां चिपकी हुई थी और उसे नोच नोच के खा रही थी। तब बालक ने पिता से कहा इस बेचारे सांप ने क्या गुनाह किया है कि ढेरों चींटियां इसे नोच नोच कर खा रही हैं। तब अंतर्यामी गुरु पिता ने बताया पुत्र पिछले युग में यह सांप एक पाखंडी महंत था जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर लूटा करता था। इसने कभी भी किसी दुखी व्यक्ति की मदद नहीं की बल्कि दुखी व्यक्तियों को और अधिक दुख देकर उन्हीं के धन पर ऐश किया करता था। अब इसे जो चींटियां चिपकी हैं ये वही भोले भाले लोग हैं जिसे ये सारा जीवन लूटता रहा और आज ये चींटियां बनकर इसका मांस नोच नोच कर खा रही हैं। गुरु पिता हरराय जी ने बालक को समझाया कि पाखंडी और बुरे व्यक्ति का यही हाल होता है। एक बार दोनों साहिबजादे बाबा राम राय जी और बालक हरकृष्ण जी प्रभु भक्ति में लीन थे। तब संगत में आए एक सिख ने दोनों बालकों को ऐसे भक्ति करते हुए देखा तो बहुत प्रशंसा की और कहने लगा दोनों साहिबजादे प्रभु ध्यान में इतने मस्त हैं कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान ही नहीं। वहीं बैठे गुरु पिता हरराय जी ने उस सिख को अपने पास बुलाकर पूछा तुम कैसे विश्वास से यह बात कह सकते हो कि दोनों बालकों की लिव प्रभु से जुड़ी है। गुरु पिता ने उस सिख को तब एक सुई देते हुए कहा तुम यह सुई दोनों साहिबजादों को बारी बारी से चुभोना और देखना कि किसका ध्यान पहले भंग होता है। गुरु जी के मुंह से ऐसे वचन सुनकर पहले वह सिख हिचकिचाया और फिर बोला मेरे ऐसा करने से दोनों साहिबजादे तो क्रोधित हो जाएंगे और वे मुझे अशुद्ध वचन भी कह सकते हैं। पर गुरु हरराय जी द्वारा जोर डालने पर वह सिख सुई लेकर दोनों साहिबजादों के पास चला गया।
उसने पहले वह सुई बाबा राम राय जी को चुभोई। वे सुई के छूते ही कांप कर उठ बैठे और उस सिख की तरफ बड़े गुस्से से देखने लगे। इसके बाद उस सिख ने सुई को बालक हरकृष्ण जी को चुभोया, पर बालक हरकृष्ण साहिब जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे ज्यों के त्यों प्रभु ध्यान में लगे रहे। सिख को लगा शायद छोटे साहिबजादे को सुई ठीक से चुभी नहीं होगी। उस सिख ने फिर से उन्हें सुई चुभोई, पर बालक हरकृष्ण जी प्रभु के सिमरन में इतने मस्त थे कि उन्हें सुई के चुभने का जरा भी आभास ना हुआ। एक छोटे से अबोध बालक को इस तरह प्रभु ध्यान में लगा देख वह सिख बड़ा हैरान हुआ। गुरु हर राय जी भी यह सब देख रहे थे। इस बात से उन्हें पता लगा कि बाबा राम राय केवल आंखें बंद करके बैठे थे और बाहरी वातावरण से वे पूरी तरह से अवगत थे। इतिहास में दर्ज है एक बार फिर से इसी तरह दोनों साहिबजादों के गुरु पिता ने परीक्षा ली। कहते हैं संगत में से एक सिख ने गुरु हर राय जी के पास आकर पूछा, गुरु जी आपको अपने दोनों पुत्रों में से कौन सबसे ज्यादा प्रिय है? गुरु जी बोले, माता पिता को सभी बच्चे एक जैसे प्यारे होते हैं, मेरे लिए तो मेरी सारी संगत ही मेरे बच्चे हैं, जो मुझे बड़े प्यारे हैं। पर यदि तुम दोनों साहिबजादों की बात कर रहे हो तो इस बारे में मैं नहीं कह सकता। मैं तुम्हें यह सुई देता हूँ, इस समय दोनों बालक अपने अपने झूले में बैठे गुरबानी सिमरन कर रहे हैं। गुरुजी ने सिख से कहा, तुम पहले जाकर दोनों साहिबजादों का पाठ सुनना, फिर यह सुई दोनों के झूले के पावे के बीच में चुभो देना। जिसके पावे में यह सुई घुस जाए समझ लेना मुझे वो पुत्र सबसे प्यारा है। कहते हैं तब वह सिख गुरु जी से सुई लेकर साहिबजादों के पास जाकर बैठ गया और गुरबानी का पाठ सुनने लगा। कुछ समय बाद उस सिख ने बाबा राम राय जी के झूले के पावे में वे सुई चुभो दी, पर लकड़ी का वह पावा इतना सख्त था कि सुई का एक तिनका भी उस लकड़ी में ना घुस सका। सिख ने फिर से कोशिश की, पर सूखी लकड़ी में सुई कैसे घुस सकती थी। इसके बाद वह सिख बाबा हरकृष्ण जी के झूले के पास बैठकर पाठ सुनने लगा। बालक हरकृष्ण जी द्वारा पाठ इतने सुर में पढ़ा जा रहा था कि वह सिख काफी समय पाठ सुनने में ही मस्त हो गया। उसके बाद जब उसका ध्यान हटा तो उसने वही सुई बालक हरकृष्ण जी के झूले के पावे में चुभो दी। वह यह देखकर बड़ा हैरान हुआ कि पावे की लकड़ी बिल्कुल हरी लकड़ी जैसी दिख रही थी और सुई उसमें इस तरह चुभ गई जैसे मोम में चुभी हो। कहते हैं उस सिख ने फिर झूले के पावे को अपने हाथ से छुआ। उस सिख को तब ऐसा महसूस हुआ कि उस झूले के पावे की लकड़ी किसी नए कोमल पौधे की तरह हो। हैरान होकर वह सिख तुरंत गुरु पिता हर राय जी के पास आया और सारी वार्ता सुनाई। गुरु जी यह सुनकर बड़े खुश हुए और कहने लगे कि गुरु की वाणी को जो मनुष्य सच्चे दिल से पढ़ता है तब सूखे पौधे भी हरे हो जाते हैं। बालक हरकृष्ण साहिब जी इस वाणी को प्रभु के साथ अंतर ध्यान होकर पढ़ रहा है, इसलिए उस वाणी की शक्ति से सूखी लकड़ी भी हरी हो गई। पर साहिबजादा राम राय केवल एक नियम पूरा कर रहा है, वाणी पढ़ते समय वे बाहर मुखी है, इसलिए उसकी वाणी का सूखी लकड़ी पर कोई प्रभाव ना पड़ा। इतिहास में दर्ज है कि दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने के बाद जब बाबा राम राय जी ने भविष्य में दिल्ली जाकर औरंगजेब को खुश करने के लिए श्री गुरु नानक देव जी की लिखी वाणी को ही बदल दिया था, तो गुरु हर राय जी ने अपने छोटे पुत्र बालक हरकृष्ण साहिब जी को गुरुगद्दी सौंपने का फैसला किया। उन्होंने सारे संगतों को हुक्मनामे भेजे कि सिख संगतें सारे कामकाज छोड़कर गुरु घर की खुशियां प्राप्त करने के लिए कीरतपुर पहुंचे। इतिहास में दर्ज है कि कीरतपुर में ढेरों संगतों का आना तब शुरू हो गया। सभी को खबर मिल गई कि गुरु हर राय जी अपने छोटे पुत्र श्री हरकृष्ण साहिब जी को गुरुगद्दी सौंपने वाले हैं। यह बात जब बाबा राम राय को मिली तो उसने भी काफी हाथ पैर मारे
पर उसकी कोई चाल कामयाब न हो सकी। कहते हैं जब साध संगत के बीच आशा दीवार के कीर्तन का भोग पड़ा, तब उन्होंने अपने 5 वर्षीय बालक हरकिशन जी को गद्दी पर बिठाया और उन्होंने तख्त की 3 परिक्रमा ली। संगत के साथ वचन किया कि आज से हमारी जगह श्री हरकिशन जी आप सबके गुरु होंगे, हमारे बाद आप इनको हमारा ही रूप समझना। फिर बाबा बुड्ढा जी के पोते बाबा गुरदत्ता जी ने गुरुगद्दी देने की मर्यादा पूरी की। गुरु पिता हर राय जी ने सिखों के 8वें गुरु हरकिशन साहिब जी को माथा टेका और सारी संगतों ने गुरु हरकिशन साहिब जी के चरण छुए। कहा जाता है कि गुरु हरकिशन साहिब जी को गुरुगद्दी सौंपने के बाद गुरु हर राय जी सारा दिन तब प्रभु भक्ति में लीन रहने लगे। गुरु हर राय जी ने संगत के साथ वचन किया कि गुरु शरीर नहीं बल्कि ज्योत है और यह ज्योत अब गुरु हरकिशन साहिब जी में स्थित है। इतने वचन कहकर गुरु हर राय जी प्रभु में विलीन हो गए। इतिहास में दर्ज है तब गुरु हरकिशन साहिब जी की उम्र केवल 5 वर्ष थी। उन्होंने सारी संगत को धीरज दिया। चंदन की चिता पर गुरु पिता हर राय जी के पावन शरीर को अग्नि भेंट कर दिया। गुरु हरकिशन जी इतनी छोटी उम्र के होते हुए भी सारे परिवार और संगतों को धीरज दे रहे थे। इतनी छोटी उम्र में समझदारों और ब्रह्म ज्ञानियों वाली बातें सुनकर सारी संगतें उनका गुणगान करने लगी। संगतों में से किसी को भी तब कोई शक नहीं रहा कि छोटी उम्र में गुरु जी गुरुगद्दी का भार उठा सकेंगे या नहीं। उनकी ऐसी महिमा सुनकर देश प्रदेश से बहुत गिनती में संगतें आने लगी। कहा जाता है कि गुरु जी हर रोज दवा खाने जाया करते और अपने हाथों से रोगियों को दवा दिया करते। एक बार की बात है, गुरु हरकिशन जी पालकी में बैठकर दवा खाने जा रहे थे कि अचानक एक कोड़ी ब्राह्मण गुरु जी की पालकी के आगे आकर लेट गया और जोर जोर से चीखने लगा, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपा करके मेरी पीड़ा मेरा रोग दूर करें। गुरु जी ने अपनी संगत से पालकी नीचे रखने को कहा और उस कोड़ी के पास आकर अपना रुमाल देते हुए बोले, तुम अपना मुंह इस रुमाल से पोंछ लो। जब उसने अपना मुंह गुरु जी के रुमाल से पोंछा, उसका कोढ़ काफी हद तक तभी ठीक हो गया, साथ ही उसकी पीड़ा भी धीरे धीरे खत्म हो गई। गुरु जी के इस कोतक को देखकर तब कई तरह के रोगी अपने दुख का निवारण करने गुरु हरकिशन जी के दवा खाने में आने लगे। बाला गुरु उन सभी पर अपनी मेहर करके उनका रोग दूर कर दिया करते। गुरु हरकिशन साहिब जी की महिमा सुनकर बहुत से मुसलमान पीर फकीर भी गुरु जी के दर्शनों के लिए आने लगे और उनका उपदेश सुनकर निहाल हुआ करते। इस तरह सभी धर्म के लोगों में गुरु जी की प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ती गई। गुरु हरकिशन जी सभी धर्मों के लोगों का इलाज किया करते थे, उनके लिए सभी एक समान थे। कहते हैं कि एक बार पेशावर की संगत एक जत्थे के रूप में गुरु जी के दर्शन करने आई। इस संगत में एक चोर भी था जिसका नाम जसवंत राय था। उस चोर को संगत से पता चला कि गुरु जी के पास धन धाने की कोई कमी नहीं है, हर समय उनके खजाने भरे रहते हैं। उस चोर ने सोचा कि गुरु जी के वहाँ चोरी करके काफी धन प्राप्त हो सकता है। कहते हैं कि जब पेशावर की संगतें किरतपुर में पहुंची तो वे गुरु हरकिशन जी के दर्शन करके उन्हें भेंटे चढ़ाकर माथा टेकने लगी। गुरु जी सभी को आशीर्वाद देते गए। जब जसवंत नामक चोर उन्हें माथा टेकने लगा तो गुरु जी ने उसे बड़े ध्यान से देखकर फरमाया, चोर की हामा परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। जब उस चोर ने आशीर्वाद के स्थान पर गुरु जी से ऐसे वचन सुने तो वे जोर जोर से रोने लगा। गुरु जी ने उसे समझाया, रोने की जरूरत नहीं है, तू चोरी करना छोड़ दे, चोर के समाज में कोई कदर नहीं करता, उसको कोई भी अच्छा नहीं समझता। इतना सुनकर वह गुरु जी के आगे नतमस्तक हो गया और माफी मांगते हुए बोला, वे अब से कभी चोरी नहीं करेगा और अपने हाथों से मेहनत की कमाई करेगा
और वही खाएगा। गुरु हरकृष्ण जी का बड़ा भाई बाबा राम राय, जिसको गद्दी ना मिल पाने का इतना दुख था कि उसने औरंगजेब के कान भरते हुए कहा कि मुसलमान कौम को गुरु हरकृष्ण से बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उनकी संगत में कई मुसलमान पीर फकीर भी उनके बड़े श्रद्धालु बनते जा रहे हैं। ऐसी बातें सुनकर औरंगजेब बहुत भड़क गया। उसने तुरंत हुक्म दिया कि गुरु हरकृष्ण साहिब जी को दिल्ली पेश किया जाए। दो दिन बाद जब औरंगजेब के सिपाही किरतपुर पहुँचे, उन्होंने गुरु जी को औरंगजेब का खत दिया। गुरु हरकृष्ण जी अपने सभी सिखों से सलाह मशवरा करके फिर दिल्ली रवाना हुए। रास्ते में गुरु जी हरियाणा के पंजोखड़ा नामक स्थान पर विश्राम के लिए कुछ दिन ठहरे। गुरु जी के आने की खबर सुनकर ढेरों संगतें वहां आने लगी। कहते हैं उस संगत में एक लालचंद नामक ब्राह्मण आया। दरबार की शान और ढेर संगत देखकर कहने लगा, यहाँ पर किस बादशाह का आगमन हुआ है? वहां खड़ा एक सिख बोला, यहाँ सच्चे पातशाह गुरु हरकृष्ण जी का दीवान सजा है। जब ब्राह्मण ने गुरु साहिब का नाम सुना तो बड़े घमंड से कहने लगा, नाम रख लेना तो बहुत आसान है, पर कृष्ण जैसा काम कौन कर सकता है? श्री कृष्ण जी ने तो गीता उच्चारी थी, पर तुम्हारा कृष्ण तो गीता के अर्थ भी नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा सच्चा पातशाह कृष्ण बनकर बैठा है तो गीता के अर्थ समझा कर दिखाए। घमंडी ब्राह्मण की बात सुनकर उस सिख को बड़ा गुस्सा आया, पर सच्चे पातशाह से उसने यही शिक्षा ली थी कि कभी भी धीरज नहीं खोना, शांत रहकर क्रोध का मुकाबला करना। इसलिए वह सिख शांत चित्त गुरु जी के पास गया और सारी बात बताई। तब गुरु जी ने फरमाया, इस ब्राह्मण को अपनी ऊंची जात पर बड़ा गुमान है। चार संस्कृत के अक्षर पढ़ के यह अहंकारी हो गया है। जो व्यक्ति असल में अपने आप को बड़ा समझदार समझता है, दरअसल वो अकल का अंधा है। ऐसा इंसान किसी की शोभा नहीं सुन सकता। गुरु जी ने तब अपने सिख को आदेश दिया, उस अभिमानी ब्राह्मण को उनके दरबार में लाया जाए, ताकि पता लग सके कि वो हमसे क्या पूछना चाहता है। सिख फौरन उस ब्राह्मण को गुरु जी के पास ले आए। एक छोटी उम्र के बालक को सच्चे पातशाह की गद्दी पर बैठा देख वह ब्राह्मण और भी असहज हो गया। उसने गुरु के चरण स्पर्श भी नहीं किए। गुरु जी ने ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी आप हमसे क्या पूछना चाहते हो? आपको किस बात की शंका है? हम अभी आपकी शंका दूर कर देते हैं, आप घबराओ मत, जो कहना है निडर होकर कहो। ब्राह्मण में बेशक बहुत अहंकार था, पर सिख संतों की बड़ी संख्या देखकर ब्राह्मण घबरा गया और उसके मुख से तब कोई शब्द ना निकला। फिर अंतर्यामी गुरु जी आप ही बोले, क्या तू हमसे गीता के अर्थ सुनना चाहता है? ये तेरी कामना भी पूरी कर देते हैं, पर इसके लिए तुझे एक काम करना होगा। इस गांव में जो सबसे बड़ा मूर्ख और अनपढ़ व्यक्ति होगा उसको बुलाकर ला, तेरे सारे सवालों का उत्तर वो ही देगा। पंडित तब गांव में चला गया और एक अनपढ़ और गूंगे व्यक्ति को, जिसे झज्जू झीवर कहते थे, बुला लाया। वो ब्राह्मण समझता था कि बोलने वाला व्यक्ति शायद गीता के अर्थ कर भी दे, पर गूंगे को कैसे कोई बुला पाएगा। ब्राह्मण के साथ तब झज्जू झीवर गुरु जी के पास हाजिर हुआ। गुरु हरकृष्ण जी ने झज्जू झीवर को अपनी अलौकिक दृष्टि से देखा और उनके देखते ही वह झज्जू विद्वानों का विद्वान बन गया। उसकी जुबान भी ठीक हो गई और बोलने लग गया। पंडित अपने सवालों में मस्त होकर कठिन से कठिन सवाल ढूंढ रहा था, जिसका कोई भी उत्तर ना जानता हो। गुरुजी ने तब झज्जू को हुक्म दिया कि पंडित के सवालों के उत्तर दो। झज्जू, जो गांव के लोगों के घरों में पानी भरकर अपना पेट पालता था और गूंगा होने के कारण इशारों में बातें किया करता था, उस पंडित के सामने ऐसे डटकर खड़ा हो गया जैसे वो पंडित को बहुत मूर्ख समझता हो। झज्जू हंसता हुआ पंडित को बोला, पंडित जी पूछो, क्या पूछना चाहते हो? जब पंडित ने गूंगे और अनपढ़ झज्जू को बोलते हुए सुना तो उसकी सारी अकड़ निकल गई। पंडित अपने मन में बड़ा शर्मसार होकर कांपने लगा।
पर दरबार से भागना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। पंडित ने झज्जू से 10 सवाल किए। झज्जू ने सही जवाब देकर उसकी पूरी तसल्ली की। फिर पंडित ने उसे गीता के अर्थ करने को कहा। झज्जू ने पंडित से कहा, आप गीता का पाठ बोलते जाएं, मैं साथ साथ उसके अर्थ करता जाऊंगा। पंडित फिर गीता के श्लोक पढ़ने लगा और झज्जू गीता के श्लोकों के अर्थ इतनी बुद्धिमता से समझाने लगा कि सब लोग देखकर हैरान हो उठे, क्योंकि गीता के ऐसे अर्थ पहले कभी भी किसी ने भी नहीं सुने थे। पंडित तो गीता के अर्थ सुनकर आप ही गूंगा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो गीता का पाठ ही भूल गया हो। उसने बड़ी कोशिश की पर उसे अगला श्लोक याद ही नहीं आया। वह पंडित ऐसा अद्भुत चमत्कार देखकर हक्का बक्का रह गया और तब वह गुरु जी के चरणों में आ गिरा और बोला, गुरु जी आप मुझे आज से अपना चेला बना ले। तब गुरु जी ने कहा, मेरे आगे माथा मत टेक, झज्जू के चरणों पर सिर रख। पंडित ने फिर झज्जू के चरणों में माथा टेका तो झज्जू बोला, मैं कौन हूँ, मैं तो तुम्हारे गांव का एक गूंगा और अनपढ़ झीवर हूँ। ये गुरु जी की ही बख्शीश है कि इन्होंने एक अनपढ़ और गूंगे को विद्वान बना दिया। और कहने लगा, आज आपकी वेद विद्या कहाँ अलोप हो गई। प्रभु जिस पर कृपा करता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इसलिए पंडित जी आप गुरु जी के चरण पकड़ो, वही आपको जन्म मरण से मुक्त कर सकते हैं। तो ये थी गुरु हरकृष्ण साहिब जी के जीवन की कुछ अनसुनी बातें। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे गुरुओं के जीवन से जुड़ी अनमोल साखियों के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।